हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आज हम बनाने वाले हैं ये क्रैंक। ये सिंगल सिलेंडर क्रैंक शाफ्ट है। ये आज हम इसमें बनाने वाले हैं, ठीक है। ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू है और ये इसका राइट व्यू है, ठीक है। तो ये वाले तीन व्यूज़ की हेल्प से आज हम इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पर सेक्शन है जो कि ये होल इसके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले ये वाला पोर्शन बना लेते हैं इसको, और उसके बाद इसको रिवॉल्व कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से न्यू पर जाएंगे। न्यू में जाने के बाद मॉडल एंड योर यूनिट्स शुड बी मिलीमीटर, एंड मैं इसको नाम दे देता हूँ क्रैंक शाफ्ट। ओके, एंड यू कैन सेव इस, यू कैन सेव वेर एवर यू वॉन्ट। सो आई एम सेविंग इट माई सॉफ्टवेयर फोल्डर एंड ड्राॅइंग्स एंड यूनिग्राफिक्स ड्राॅइंग्स एंड ओके। यू कैन डायरेक्ट इट टू इट्स पाथ एंड ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट द ड्राॅइंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग स्केच। स्केच लेने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो नीचे वाला प्लेन है इस पर क्लिक करना है। ओके, और अभी मैं ये वाला इसके अंदर पोर्शन बनाने वाला हूँ। यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं, यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे इसको, और पहले इसको कुछ डायमेंशन देंगे। डायमेंशन क्या होगा कि ये सेंटर से यहाँ 30 और ये 40 है, तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, ये 70 mm की एक लाइन हो जाएगी। यहाँ पे रैपिड डायमेंशन लेते हैं, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये वीक डायमेंशन है, तो इसी को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ 70 हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ये कमांड लेनी है प्रोफाइल, ठीक है, और उसके बाद आप इसको बना सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये है हमारे पास ये जो डायमीटर है आगे वाला, ये 20 है, तो ये सेंटर से हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 करेंगे। ये वाला हमारे पास हो जाएगा 40, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला है मेरे पास 30 डायमीटर का, तो हाफ ये 15 हो जाएगा, तो ये वाला है 5, ठीक है। 5 कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10 है ही, यहाँ से हमने 20 का हाफ 10 किया था, तो ये हाफ 15 है 30 का, तो यहाँ से ये 5 ही बचेगा, ठीक है। और इसके अंदर ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है, ठीक है, 30 है इसकी, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, ये 30 ही बचा हुआ है, ठीक है। और इसको अंडू करते हैं। चलिए इसको रिवॉल्व कर देते हैं सबसे पहले। तो ऐसे फिनिश होने के बाद आपको जाना है रिवॉल्व के ऊपर, कर्व अपना सेलेक्ट करेंगे, वेक्टर ये वाला होगा और ये रिवॉल्व हो जाएगा, इसको अप्लाई और इसको ओके कर देंगे। ये वाला स्केच हम इसमें हाइड करते हैं। हाइड करने के बाद देखिए, ये वाली प्रोफाइल बनानी है, ये वाली प्रोफाइल बनाने के लिए स्केच लेंगे और इसी फेस के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए, तो देखिए सेंटर से एक 50 रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे हम लोग। यहाँ से एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे डायमीटर 50, सॉरी रेडियस 50 है, तो डायमीटर आपका 100 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको ये दो लाइनें बनानी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ कहीं से ड्रॉ कर देता हूँ फ़िलहाल एक लाइन, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होगा, ये वीक डायमेंशन ले लेता हूँ, 80 है यहाँ तक, तो सेंटर से ये 40 है एग्जैक्ट, चलिए 40 है। और इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको ट्रिम कर दो अभी, चाहे तो बाद में भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक सर्कल है ये, जो कि 20 mm सेंटर से ऊपर है और इसका सेंटर यहाँ से 115 है। तो यहाँ से एक सर्कल लेकर एक सर्कल बना देते हैं। इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 20 mm होगा, यानी कि 40 डायमीटर। कैसे पता चला, कैसे होगा, देखिए, क्योंकि ये एक सर्कल है और इसका जो सेंटर यहाँ से 20 है, तो अगर ये ऐसे बनेगा तो इसका डायमीटर 40 ही होगा, बिकॉज और कुछ गिवन है नहीं, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 115, एंड द हॉरिजॉन्टल वैल्यू इज़ 115 एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो आई एम टेकिंग लीनियर डायमेंशन एंड इट शुड बी हॉरिजॉन्टल,
सेलेक्ट द सेंटर पॉइंट ऑफ स्मॉल सर्कल एंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस बिग सर्कल एंड 115 डिवाइडेड बाय 2 एंड वी विल गेट द डायमेंशन। और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ से आपको फिर से डायमेंशन लेना होगा और इस बार आपको सेलेक्ट करना होगा वर्टिकल, सेलेक्ट वर्टिकल एंड सेलेक्ट दीज टू पॉइंट्स एंड इट इज़ 220। ओके, तो यहाँ से कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये हमारे पास आ गया और यहाँ से हमारे पास ये भी आ गया। या एक काम हम ये भी इसके अंदर कर सकते हैं, और 20 रेडियस है तो इसके लिए 40 डायमीटर हमने रखा है, सेंटर से ये 20 mm इसके पास है। इसको एक सेकेंड हम लोग अंडू करते हैं, इसको हम आर्क से ही बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको हम 115 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और इसको सॉरी ये 80 mm है तो इसका 40 करते हैं हम यहाँ पे। ओके चलिए, इसके आगे हम इसको आर्क से ही बनाने की कोशिश करते हैं। और एक यहाँ पे हम लोग सेंटर में बनाएंगे, रेडियस 25 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जो कि यहाँ इसको जॉइन होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसको हम लोग डायमेंशन करते हैं, अभी क्या है कि हम लोग एक्सेसिव जो पोर्शन है उसको ट्रिम कर देते हैं जिससे कि हमें इसको बनाने में आसानी रहेगी। चलिए यहाँ तक तो हो गया है ना, अब इसको डायमेंशन करेंगे हम लोग। ये था हमारे पास लगभग ये 20 का ही होगा। ओके, अब इसको डायमेंशन करना है, यहाँ से हम लोग लेते हैं लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन लेने के बाद हमें वर्टिकल लेना है, वर्टिकल ये जो इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ये आना चाहिए 20। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे, अंडू करेंगे इसको, और ये 20 mm हमने इसका रखा है। एक सेकेंड, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं डायमेंशन, और ये जो हमने रेडियस 20 है इसका, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये 20 है, और यहाँ से दोबारा डायमेंशन लेंगे इसका, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लिया ये, और ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग कर देंगे 115 डिवाइड बाय 2। ये यहाँ पर मैच नहीं हो रहा ठीक से, इसको वापस अंडू करेंगे। लीनियर डायमेंशन हम लोग यहाँ से लेंगे, हॉरिजॉन्टल में ये वाले पॉइंट ठीक है 57.5, और इसकी जो ये हाइट रखेंगे हम लोग यहाँ से, ये और ये पॉइंट, इसको हम लोग देंगे 20 mm, ठीक है। रेडियस इसका हमें गिवन है नहीं तो हम लोग इसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। रेडियस इसका हमारे पास गिवन नहीं है तो इसे हम लोग स्पेसिफाई नहीं करने वाले किसी भी हालत में, बस इसको हम लोग यहाँ पर मैच कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन पे क्लिक करके इसको हम लोग कर देंगे वर्टिकल, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। और इस वाले का जो डायमेंशन होगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है तो ये 40 है हमारे पास, इसको 40 डालेंगे।
और यहाँ से लेते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट में टेंजेंट फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा, तो ये टेंजेंट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ तक होने के बाद इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। ठीक है, और ये जो हमने पार्ट बनाया है इसको हम लोग वहाँ पर मिरर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग मिरर कमांड लेते हैं, ये वाला पोर्शन आई गेस यहाँ पर ही जो लाइन अटैच है ये 20 EC का है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट वाला जो डायमेंशन है इसको मैं नहीं देता, यहाँ से हम लोग लेते हैं लीनियर डायमेंशन वर्टिकल में जो ये वाला पॉइंट है शायद वो यही डायमेंशन है 20, सेम ही है बिल्कुल, कोई इसमें चेंज नहीं है। यहाँ से हम लोग चलते हैं मिरर कमांड लेते हैं, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व हमें सेंटर लाइन के मिरर करना है अप्लाई। और ये सेंटर जो है ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, तो यहाँ से हमें कुछ करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके लिए क्योंकि यहाँ पर ये बचा हुआ है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको आप लोग वर्टिकल कंस्ट्रेंट लगा देना तो स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस लाइन को आप कंस्ट्रक्शन में बदल दीजिए और बाकी का आप लोग यहाँ से ट्रिम कर दें। ठीक है, तो आपके पास में ये डायमेंशन और ये आपके पास एक ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ डायमेंशन हमको गिवन नहीं है तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये कितना है। ओके, जो जो हमारे पास डायमेंशन गिवन थी हमने वो यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पे 40 भी हो गया हमारे पास, 50 भी हो गया और ये वाला भी हो गया हमारे पास। तो ये प्रोफाइल कुछ ऐसे बनेगी क्योंकि हमने 115 भी डाल दिया है, 40 भी कर दिया है एंड वी हैव असाइंड दिस 50 ऑल्सो। और उसके साथ हमें और क्या चाहिए, ये वाला 50 डायमेंशन है, 50 है, डायमीटर 100 होगा, इसका हमें गिवन नहीं है। और अगर आप चाहते हैं फिर भी देना तो यहाँ से कुछ कुछ इसको डायमेंशन दे सकते हो। छोड़िए, इसको हम रहने देते हैं, इसको हम लोग नहीं देते। बाकी तो सब हो गया है। ओके, तो चलिए इसको फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद इसको एक्सट्रूड कितना करना है, देखिए एक्सट्रूड की डायमेंशन यहाँ पे है 30, सॉरी 10 है। इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे 10 mm, इसको एक्सट्रूड करना है। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं ओके 0, और ये सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। अप्लाई करेंगे एंड कैंसिल, तो ये वाला प्रोफाइल मेरे पास ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, स्केच करने वाले हैं फिर से इसी के ऊपर और ओके। स्केच करने के बाद इसी के सेंटर में एक 40 डायमीटर का एक सर्कल है। ठीक है, ये वाला जो क्रैंक वेब है ये वाला, ठीक है, और ये नीचे वाला सेम है इनका डायमीटर, तो ये 40 डायमीटर का ही होगा। ठीक है, तो इसके पीछे सॉरी ये वाला बनाना है अभी, ये 30 डायमीटर का है, 20 mm एक्सट्रूड है, तो इनके सेंटर से हम लोग एक बना देते हैं 30 डायमीटर का सर्कल और फिनिश करते हैं इसको और एक्सट्रूड करेंगे इसको हम लोग कितना। यहाँ से मैंने रीजन बाउंड्री सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने सिंगल कर्व किया है तो आपका थोड़ा डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो आप कर्व सेलेक्ट करें या आप रीजन बाउंड्री ले लेते हैं तो भी ठीक है। तो यहाँ से इसको 30 कर देंगे। ठीक है, 30 mm ये सॉरी 20 mm है ये एक्सट्रूड, और इसको अप्लाई एंड कैंसिल एंड द बुलियन ऑपरेशन शुड बी यूनाइट। ठीक है, स्केचेस में हाइड कर देता हूँ, यू कैन हाइड द स्केच बाय जस्ट राइट क्लिकिंग ओवर देम। ओके, यहाँ से फिर से स्केच लेंगे, अगेन सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड टेक अ 40 डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके, ये 40 डायमीटर का सर्कल है। अब इसके आगे हमें एक और प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ये देखिए सेंटर है, सेंटर से सेंटर ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है। ठीक है, और यहाँ पर एक 40 डायमीटर का एक और सर्कल बनेगा, तो चाहे तो आप देख भी सकते हैं, वैसे तो एग्जैक्ट 40 ही होगा। यहाँ से वर्टिकल लेंगे मेजरमेंट सेंटर, तो ये आपको 40 आएगा, तो ये रेड हो जाएगा क्योंकि सभी सेम सेंटर से हैं, मैं जस्ट आपको चेक ही करवा रहा था ये। तो यहाँ से बनाते हैं 40 डायमीटर का सर्कल,
और यहाँ से इसको एस्केप करते हैं, ठीक है। तो ये इसके सेंटर में आएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंस्टेंट लेते हैं, कोइंसिडेंस कंस्टेंट लेंगे एंड सेलेक्ट द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। जूम करेंगे और यहाँ पर अगर नहीं कंस्टेंट हो पा रहा है तो उस केस में देखिए क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और इसके सेंटर में इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। लाइन लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक टेंजेंट, फिर दोबारा से हम लोग लाइन लेते हैं प्रोफाइल सेलेक्ट दिस पॉइंट, ओके। माई स्केच इज़ फुल्ली कंस्ट्रेंट, नाउ ट्रिम द एक्सेसिव पार्ट ऑफ द ड्राॅइंग, ओके। ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा एंड यू कैन सी हेयर एट द बॉटम ऑफ द यूनिक ग्राफिक्स वी कैन सी द मैसेज स्केच इज़ फुल्ली कंस्ट्रेंट, सो वी डोंट नीड टू डू एनी थिंग एंड इट इज़ अबाउट 10 mm एक्सट्रूड, सो सेलेक्ट एक्सट्रूड कमांड, असाइन 10 mm, यूनाइट बूलियन ऑपरेशन शुड बी यूनाइट एंड अप्लाई एंड ओके। हाइड द स्केच इफ़ यू वॉन्ट टू हाइड इट, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ द अनदर 40 डायमीटर होल ओवर हेयर, सो आई एम गोइंग टू स्केच ओवर दिस फेस, इट इज़ 40 mm अगेन, अंडू टेक सर्कल अगेन 40 एंटर, ओके। फिनिश द स्केच एंड इट इज़ अगेन दिस इज़ 10 mm एंड इट इज़ शोइंग 40 mm ओवर हेयर फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, सो वी हैव ऑलरेडी गॉट 10 mm एक्सट्रूड, सो बिकॉज वी हैव मेड दिस स्केच ओवर दिस फेस, सो वी शुड लेस 10 mm टू 40 mm सो दैट वी कैन गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू, सो द एग्जैक्ट वैल्यू इज़ 30, अगेन सेलेक्ट एंड द एग्जैक्ट वैल्यू इज़ 30 बिकॉज वी हैव टू माइनस 10 फ्रॉम द 40 एंड बूलियन ऑपरेशन शुड बी यूनाइट एंड अप्लाई एंड ओके। यू कैन हाइड द स्केच बाय जस्ट राइट क्लिकिंग ओवर हिट, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी हद तक एक रैंक बन चुका है। द नेक्स्ट थिंग इज़ ओवर दिस वी हैव ऑल्सो 30 डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड द एक्सट्रूजन वैल्यू ऑफ द सर्कल इज़ 5 बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 10 एंड इट इज़ शोइंग 15 mm डायमीटर फ्रॉम दी वेरी नेक्स्ट प्लेन फ्रॉम द नेक्स्ट फेस, सो अगेन सेलेक्ट स्केच सेलेक्ट द फेस एंड ओके। इट इज़ 30 डायमीटर, ओके। सो ये 30 डायमीटर होगा तो यहाँ पे हम लोग 30 डायमीटर इसको डालेंगे फिनिश, और इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पे हम लोग इसको 5 कर देंगे, अगेन हाइड द स्केच। चलिए यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास एक ही बहुत छोटा सा सर्कल है, ये 2 डायमीटर का एक सर्कल है हमारे पास जो कि 20 mm तक जा रहा है, सो यहाँ से मैं होल लेने वाला हूँ, सो ये सिंपल होल है, ये है 2 डायमीटर का और यहाँ से हमें चाहिए 20 mm डालेंगे, ओके। वैल्यू लेने के बाद ये कितना है, 20 mm अंदर है और टिप एंगल है इसका 0, तो वैल्यू डालेंगे डेप्थ 20 और इसको हाईलाइट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ओके ठीक है 20, क्योंकि आगे से फ्लैट है वी नहीं है, और इसको अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास एक और है, ये एक कुछ रेक्टेंगल टाइप है, ये भी 2 mm का गैप है और ये भी थोड़ा डेप्थ में गया है 20 mm, सो यहाँ से फेस पर स्केच कर लेते हैं, फिनिश करते हैं, यहाँ से स्केच ये वाला फेस इसको रिवर्स करेंगे और ओके।
एक बार फिर से दबाएंगे इसको, ये आई थिंक ऊपर की तरफ बनेगा सेंटर से। यहाँ से थोड़ा गड़बड़ आएगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पे स्केच करेंगे और ओके, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ये वाला जो होल होगा वो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होल का डायरेक्शन है छोटे वाले की तरफ है। ठीक है, तो राइट क्लिक और इसको रिफ़्रेश करते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं छोटे वाले के ऊपर। यहाँ पर मैं एक सिंपल एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ओके, 2 mm है इसका ये, और नीचे से 7 है। सो लीनियर डायमेंशन लेंगे और वर्टिकल में ये वाली लाइन और ये पॉइंट, ये हो जाएगा 7, एग्जैक्ट 7 ही है। एंड द विड्थ इज़ 2, सो वी हैव टू टेक वन वन फ्रॉम ईच साइड। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस इन्फ्रेड, क्लिक ओवर द लाइन, इट इज़ 4 mm, सॉरी 2 mm। इट इज़ 2, सो डबल क्लिक ओवर दिस एंड 1। सो ये सेंटर में आ जाएगा। आपकी अगर वीक डायमेंशन आ रही है तो नहीं है, तो किसी एक पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल दे दीजिए, 1 आ जाएगा आपका। ये 7 है, अब बाकी ये ऊपर से कट होना है ही, तो इसके लिए हमें कुछ डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। और इसको फिनिश करेंगे और इसको 20 mm हम लोग कट करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन होगा और यहाँ से इसको डालेंगे 20, और ये होगा सब्ट्रैक्ट, अप्लाई, कैंसिल। इसको हाइड कर देते हैं। अब देखिए जो छोटे छोटे से काम रह गए हैं हम इसको वो कर देते हैं। आई थिंक हमसे एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, हमने ये दूसरी साइड में बना दिया है क्योंकि ये ऊपर की साइड है। सो इसके लिए हम वापस से स्केच में चलते हैं, डबल क्लिक करेंगे इसको, ये हमें नीचे की तरफ में बनाना चाहिए था। सो कोई बात नहीं गाइस, हम दोबारा से इसको कर लेते हैं। यहाँ से मिरर कमांड लेते हैं और इसको कनेक्टेड कर्व्स इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको मिरर कर देते हैं यहाँ पर, अप्लाई। और ये वाला जो हमने स्केच बनाया है इन सबको हम कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर हम इसको ट्रिम ही कर देते हैं। नहीं, ट्रिम करने से बात नहीं बनेगी, हम लोग इसको कंस्ट्रेंट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो अभी इंटरफेयर नहीं करेगा, फिनिश इसको करेंगे। फिनिश करने के बाद आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ में चला गया है। अब स्केच को हम लोग हाइड कर देंगे, तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो ये भी एक तरीका है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो सॉल्यूशन कैसे किया जाए, नहीं तो आप सिंपल बना भी सकते हो। चलिए अब देखिए, यहाँ पे चैम्फर है मेरे पास, 1x45 का एक चैम्फर है। सो यहाँ पे 1x45 एंड द क्रॉस सेक्शन शुड बी ऑफसेट एन एंगल। सो ये वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अप्लाई एंड कैंसिल। चैम्फर है और एक फिलेट भी है मेरे पास 2 का, और एक यहाँ पर भी फिलेट है मेरे पास 2 का। सो एज ब्लेंड हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे 2 mm ये एज हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और 1 हमें यहाँ पे, एक यहाँ पर भी देना होगा, अप्लाई। तो यहाँ पे 2 हमारे पास फिलेट भी आ जाएंगे। चलिए और कहीं पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी एक 2 radius का फिलेट है मेरे पास। एज ब्लेंड पर ही क्लिक करते हैं और एक इसको भी ऐड कर देते हैं, तो एक अलग से कमांड ऐड नहीं होगी। ओके, आई थिंक और तो कहीं पे कुछ है नहीं। सो ये हमारे पास फिलेट हो गया। तो हमारे पास एक ये सिंगल सिलेंडर क्रैंकशाफ्ट है जो कि हमारे पास यहाँ रेडी है। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, यूज़फुल है आपके लिए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन मेक अनदर ट्यूटोरियल लाइक दिस। सो ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है,
ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है यूनी ग्राफिक्स, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है ये। सो चलिए इसको अब कलर कर देते हैं हम लोग। और कलर करने के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा असाइन फीचर कलर, स्पेसिफाई कलर, और यहाँ से कुछ ऐसा कलर उठा लेते हैं ग्रे। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ट्रू शेडिंग ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्रैंकशाफ्ट रेडी है। तो ये क्रैंकशाफ्ट आपकी बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको, मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले वीडियो को देख लें अच्छे से, उसके बाद आप ट्राई करें, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल्स।